गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही बोल। खौफनाक मंजर लग रहा है। देख सकते हैं जो मेरे पीछे आप लोगों को गेट दिखाई दे रहा है, ये गेट है बेनजीर का गेट। इसी गेट से हम चलेंगे अंदर की तरफ और आपको दिखाएंगे आपको बेनजीर की कोठी। आइए अंदर की तरफ। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये आपकी वही बेनजीर की कोठी है जहाँ पे राउंड टू हेल वालों ने आपकी अलादीन वाले जो वीडियो थी उस वीडियो को शूट करा था। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा हॉरर और प्लस है बहुत ज्यादा मोटी। आज मैं आपको दिखाऊंगा रामपुर शहर की बेनजीर कोठी। हेलो गाइस, फाइनली आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विजिट विद अनुराग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रामपुर शहर की बेनजीर की कोठी जो रामपुर के नवाब ने बनवा रखी है। रामपुर के नवाब ने आपके बहुत ही अलग अलग प्लेसेस बनवा रखे जो बहुत ज्यादा यूनिक प्लेसेस है। उसमें से एक ये भी बहुत ज्यादा यूनिक है आपकी बेनजीर की कोठी। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सीढ़ियाँ दे रखी हैं। इन सीढ़ियों से चलेंगे हम लोग ऊपर और आपको दिखाएंगे बेनजीर की कोठी का अंदर से लुक किस तरीके का दिखाई देता है। ये एक तरीके से बहुत ज्यादा हॉन्टेड प्लेस लग रहा है। आपको अंदर से देख सकते हैं पूरा यहाँ का जितना भी सीनैरियो है वो सीनैरियो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जस्ट लाइक ऐसा किसी हॉरर मूवी का सीनैरियो लग रहा है। लिटरली हमें खुद इस टाइम पे डर लग रहा है बट हम अपनी ऑडियंस को चाहते हैं कि रामपुर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है सारे हिस्टोरिकल प्लेस दिखाना। तो हम यहाँ से चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे कि अंदर का सीनैरियो किस तरीके का है। ये जो आपकी बेनजीर की कोठी है, बेनजीर की कोठी जो यूरोपियन आपकी आर्किटेक्चर थे उन्होंने डिजाइन कर रखा है। आज सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं पूरी बेनजीर की कोठी किस तरीके की दिखाई देती है। सीढ़ियों से चल के जैसे ऊपर है तो लिटरली यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का फुल्का हॉरर लुक दिखाई दे रहा है। तो आइए आगे की तरफ, मैं आपको आगे का पूरा सिनेरियो देता हूँ। आगे यहाँ से आपका एंट्रेंस जो अंदर की तरफ आता है, आप अंदर की तरफ आइए तो आप लोग देख सकते हैं इतने ही ज्यादा विशाल यहाँ पे लुक दे रखा है। पूरा जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा बड़ा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं जस्ट लाइक जैसे हमारी फैमिली में क्या होते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम बना रखे होते हैं अपने डाइनिंग टेबल वगैरह लगाने के, बिल्कुल सिंपल वैसे ही यहाँ पे लुक दे रहेगा। और उसके अंदर एक ग्यारह रूम आप ये भी किसी समय में कुछ एक आलिशान रूम बना रखा हुआ यहाँ पे भी कुछ ना कुछ की यूनिक चीजें होंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे आर्किटेक्चर का काम कर रखा है। और अंदर अगर आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की गहराई कितनी ज्यादा गहराई दे रखी है। तो आप लोग सोच सकते हैं जब से बनवाया हो तो किस ढंग से बनवाया हो, क्या चीज सोचेगी। ऊपर देख सकते हैं कितने ज्यादा विशाल बनाया रखा है। यहाँ से आप इस तरफ को अगर टर्न लेते हैं आएंगे जैसे हम यहाँ से एंट्रेंस ले आए थे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अगर अब से पहले यहाँ पे अगर नवाब वगैरह रहते होंगे तो वो लोग यहाँ पे बैठते होंगे इजिली अपना चाय वगैरह पीते होंगे तो अपना हैंग आउट करते होंगे। यहाँ से उन्हें पूरे बाग वगैरह सब कुछ दिखाई दे जाते थे। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे का भी एरिया आप लोगों यहाँ पे अगर वीडियो में दिखाई दे रहे हो तो कितना प्यारा यहाँ पे लुक दे रहा है। बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह लग रहा है पूरा इसका सिनेरियो। बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा है और आप बहुत ज्यादा कूलेस्ट प्लेस लग रहा है मुझे बेनजीर का। यहाँ पे डर भी लग रहा है बट आप लोगों के लिए हमें शूट भी करना है तो हमें मजा भी आ रहा। तो इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या चीज़ है। आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराना गेट होगा जो अपने आप शायद टूट गया होगा बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकी रियासत कितनी ज़्यादा जगह में फैली हुई थी। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे गेट्स वगैरह दिखाई दे देंगे। आशा करता हूँ कि मैं आपको वाले गेट्स भी यहाँ पे दिखा पाऊँ। तो आप आइए आगे की तरफ इधर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ का सिनेरियो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब बोल सकते हैं आप अपने इंस्टाग्राम की यहाँ पे वीडियो बनाइए, अपनी रील्स बनाइए और लिटरली ऐसा लग रहा है काश मैं इस जगह पे रहता तो मेरे भी क्या ठाट बाट रहे होते। ये पत्थर इतने ज्यादा आपके हैं मतलब ऐसा है कि किसी चीज को तोड़ रखा होगा यहाँ पे। अगर लोग आते हैं तो आप आइए आगे आपको देख सकते हैं एक गेट ये है। यहाँ से भी आप जाके बालकनी को एंजॉय कर सकते हैं जैसे लगा नवाबों ने अपने समय जो बालकनी बना रखी होगी। एक गेट ये निकलता है बालकनी की तरफ को और देख लेंगे इस साइड में। आप लोग देख सकते हैं कितना ही ज्यादा विशाल है। ऊपर से देख सकते हैं कितना ही प्यारा ये लुक दे रहा है। यहाँ पे यूरोप के जो आर्किटेक्चर थे उन लोगों ने बनवाया गया है इनके द्वारा। एक रास्ते यहाँ पे भी जा रहेगा, यहाँ से भी एक रास्ते का आप आइए आगे की तरफ। आपको आगे रास्ते के लोग दिखा देंगे। ये देख सकते हैं ये जो रास्ता है यहाँ पे भी हमें दो आपको ऑप्शन दे रखेंगे। यहाँ से भी हम लोग क्या बाहर की तरफ एंटर हो सकते हैं। अगर यहाँ से हम आते हैं तो आपसे देख सकते हैं यहाँ से भी सेम से आपको बाहर का रूप दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ से भी आप लोग मे भी शायद मुझे लगता है शायद लैट्रिन या बाथरूम के हो सकते हैं बट कंफर्मेशन कुछ नहीं है। एक आपका सिम्बुलिज्म यहीं पे है, यहाँ से आप बाहर का नजारा एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस देख सकते हैं ये हमारे सबसे ऊपर टॉप के फ्लोर पे जीने से चढ़ते हुए आप दिखाते हैं आपको यहाँ का टॉप का फ्लोर किस तरीके का है, यहाँ का सिनेरियो किस तरीके का लुक दे रहेगा। आप लोग देख सकते हैं रामपुर के नवाब ने इस कोठी को कितने ही ज़्यादा आलीशान तरीके से बना रखा है। ये कोठी किसी हॉरर मूवी के सेट से कम नहीं लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोठी है ये। चलिए चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा।
सारी प्रॉपर्टी यहाँ से ए टू जेड दिखाई देती है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि रामपुर के नवाब ने कुछ सोच समझने के बाद ही यहाँ पे अपनी कोठी को डेवलप करा था, खुद की कोठी को उन्होंने बनवाया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना ही ज़्यादा प्यारा दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ से जितनी प्रॉपर्टी है पूरी प्रॉपर्टी को आप एक ही नज़र में देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है आपका। गाइस देख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो चीज़ है वो शायद अपने आप टूट गई है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से आपकी बनी हुई थी। तो देख सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे कितना प्यारा रॉयल लुक दे रहा है। अगर मैं खुद यहाँ पे इस तरीके से खड़ा होता तो आप लोग सोच सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे इन्वायरमेंट आया, कितना प्यारा यहाँ पे आपको लुक दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, देखते हैं ऊपर का फ्लोर यहाँ पे किस तरीके का दिखाई दे रहा है आपका। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पहाड़ी बना रखी है ऊपर को चढ़ने के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे दो तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे साइड से बना रखेंगे, इन साइड से आगे की तरफ को आतेंगे। तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे भी चढ़ने के लिए कुछ ऑप्शन दे रखा था। यहाँ पे मैं चढ़ को आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ। अभी हम नीचे से आए थे, फिर हम एक जीने पे चढ़े और फिर उसके बाद एक और जीने पे चढ़े। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा विशाल लुक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने ज्यादा आपकी अलग अलग चीजें दिखाई देनी है। मेरे पीछे वहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है, जैसा कि हॉल है वो भी कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों को दिखाए, और सेम और आपका मेरे पीछे भी। पहले मैं आपको इस वाले हॉल को कवर करता हूँ आपका। मुझे बहुत डर लग रहा है, आइए आप लोग आगे की तरफ और देखिए गाइस यहाँ का जितना भी सिनेरियो है ये किसी आपके मूवी से कम नहीं, इतना ही ज़्यादा डरावना लुक दे रहा है। मुझे लिटरली डर लग रहा है, बट मैं आप लोगों ने इस चीज़ को शूट कर रहा हूँ। आइए ऊपर की तरफ आप लोग। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये भी इन्होंने का एक हॉल बना हुआ है, इनका ये एक कमरा बना हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितने ज़्यादा आलिशान कमरा है यहाँ पे। मैक्सिमम नहीं नहीं भी तो कम से कम 100-200 लोग आपके रह सकते हैं इस वाले पूरे पुल के अंदर। इनके बिल्कुल ये बालकनी का लुक दे रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, आता हूँ आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा किस तरीके का आएगा। गाइस आप लोगों ने कितनी हमें मशक्कत करनी पड़ती है, तो आपसे आशा है भाई आप वीडियो को पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को आप। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोहे के पिलर कितने यहाँ पे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। पूरी बेनजर की कोठी को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके लिए कवर कराएगा। तो आप आइए जल्दी फटाफट आगे की तरफ आइए। गाइस देख सकते हैं कितना ही यहाँ पे विशाल लुक दिखाई दे रहा है आपको, कितना ही ज़्यादा विशाल आपकी कोठी दिखाई दे रही है, कितनी विशाल ये कोठी लग रही है। यहाँ पे जो मैंने आपको नीचे रूम नहीं दिखाया था वो रूम ये वाला है, ये वाला रूम और ये वाला रूम दोनों चाहेंगे सेम है। तो मैंने सोचा क्योंकि केवल इसी रूम को दिखा दे रहा हूँ, इस रूम को आपको नहीं दिखाता हूँ, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। गाइस ये देखिए, गाइस आप लोग ये देखिए कुछ यहाँ पे हॉरर नज़ारा दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पे डर लगने वाला है अगर आप लोग रात के समय में आते हैं तो। गाइस देखिए नीचे कितना ज़्यादा प्यारा लुक दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे इस वक्त मैं धूप में हूँ, मुझे पसीने पसीने हो चुके हैं, बट मैं आप लोगों ने कंटेंट ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ आना पड़ता है हमें। आप लोग आइए, आप लोग देख सकते हैं नवाबों की जब छत इतनी बड़ी होगी तो सोच सकते हैं इनके नीचे का आपकी कोठी कितनी बड़ी होगी। आइए फटाफट आप आगे की तरफ आइए जल्दी से। ये क्लिप हम लोगों ने आपके लिए बिल्कुल इसकी कोठी के टॉप यानी ऊपर की तरफ से शूट करिएगी। इसके अब जो आपका साइड में दिखाई दे रहा है, ये साइड में आपकी इसकी बैक साइड है जो एक तरीके से खंडर के रूप में इस समय पे तब्दील हो चुकी है। और इसके राइट साइड में दिखाई देगा आपका इस आपकी बेनज़ीर कोठी का फ्रंट, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कोठी कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। यहाँ से देख सकते हैं कि बेनजर की कोठी के अब अंदर से जो नीचे की तरफ का नज़ारा है वो किस तरीके का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से हम कैमरा करते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं यहाँ से नीचे का लुक आपका। और चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे यहाँ से आगे का नज़ारा। ये देख सकते हैं आपका आर्किटेक्चर लुक हैगा ऊपर का, और नीचे का देख सकते हैं आपका बिल्कुल इस वक्त खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ आपका। हमने आपको ऊपर का नज़ारा दिखाया था, ये नीचे का नज़ारा है, जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं इन्होंने बेसमेंट बनवा रखे होंगे शायद नीचे की तरफ। तो हम आपके आगे की तरफ चलते हैं, अंदर दिखाते हैं बेसमेंट और किस तरीके के इन्होंने बनवा रखे होंगे आपके। गाइस ये रहे देख सकते हैं नीचे के बेसमेंट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिलर है, पिलर से आपके जो पूरी प्रॉपर्टी को रोक रखा है। यहाँ के बेसमेंट है, बेसमेंट में यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाने का नहीं है, तो नॉर्मली बेसमेंट दे रखे हैं, जस्ट लाइक ऐसा छोटी सी बोल सकते हैं इनका नीचे का एरिया जो होता है वो है। चलो चलो मैं चलते हैं बाहर। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये आपकी वही बेनजीर की कोठी है जहाँ पे राउंड टू हेल वालों ने आपकी अलादीन वाले जो वीडियो थी उस वीडियो को शूट करा था। तो आपने उनके चैनल पर जो वीडियो देखी होगी उस पर आपको बिहाइंड द सीन आपको लोकेशन नहीं परफेक्ट दिखाई गई होगी, बट हमारे इस वीडियो में आपको पूरी परफेक्ट लोकेशन दिखाई गई है कि यहाँ पे जो बेनजीर की कोठी है वो किस तरह की कोठी है, कौन सी